नमस्कार दोस्तों, एक्ट वन के एंटरटेनमेंट की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और नई हॉट रोमांटिक वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम नागर बधु है। आपको बता दें इससे पहले नागर बधु का सीन फर्स्ट आया था जो कि दर्शकों को काफी ज्यादा अच्छा लगा था। अगर दोस्तों आपने नागर बधु का सीन फर्स्ट नहीं देखा तो आप जो है हॉट मस्ती मैजिक जो एप्लीकेशन है वहाँ पर जाकर इस वेब सीरीज के फर्स्ट सीजन को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इस वेब सीरीज के सीजन टू के बारे में जहाँ पे आपको इस बार भी इस वेब सीरीज के दो या तीन से ज्यादा एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस वेब सीरीज की कहानी के बारे में, आपको क्या नया देखने को मिलने वाला है और कौन कौन सी नई स्टार कास्ट जो इस बार जुड़ने वाली है। तो आपको बता दें कि फर्स्ट एपिसोड में जहाँ पे आपको मुख्य स्टार कास्ट के तौर पर जो आदि जैन नजर आने वाली है और इसके अलावा आपको सहवाज बादी जो है इस वेब सीरीज में नजर आएंगे और इसके अलावा आपको जो है आदि ईरानी, दीपक राज और आशीष जो इस वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें अगर फर्स्ट एपिसोड के खाने के बारे में तो आपको मुख्य तौर पर दो ही स्टार कास्ट नजर आने वाले हैं कि आदि जैन जो है जो कि आपको इस वेब सीरीज में माया की भूमिका में नजर आएगी और इसके अलावा आपको सहवाज बादिया जो कि अजय की भूमिका में नजर आते हैं। कहानी की शुरुआत में आपको ये देखने को मिलता है कि माया जो होती है जो कि मुंबई में रहने आती है, लेकिन मुंबई वो जहाँ पे रहने की कोशिश करती है वो फ्लैट काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और उसको लेके वो फ्लैट के ऑनर से काफ़ी झगड़ा भी करती है। लेकिन बाद में जैसे माया थोड़ी देर वहाँ पे रुकती तो देखती है कि बाहर एक लड़का जो होता है वो जो कि गिटार बजा रहा होता है और साथ में गाना गा रहा होता है, तो माया जो होती है उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है और उसको पसंद करने लगती है। और एक समय जब माया को ऐसा लगता है तो धीरे धीरे उसके पास जाती है, इनकी वो अजय जो होता है जो कि एक तरह से आपको इस वेब सीरीज में एक उभरता हुआ कलाकार इनकी एक सिंगर देखने को मिलता है जो कि इनकी वो भी मुंबई में आया होता है और अपने सपने पूरे करने की कोशिश करता है और एक बड़ी फिल्म में ब्रेक पाने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि माया जो है जो कि धीरे धीरे अजय के पास जाती है और अजय भी माया के पास आता है और इन दोनों में प्यार हो जाता है और इस तरह से आपको इस वेब सीरीज काफ़ी रोमांटिक ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें उन सीनों की जो कि आप देखने की काफ़ी कोशिश करते हैं तो आपको वो वाले सीन भी आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उसमें आता है जब माया जो होती है वो अजय को कहती है कि आने वाले 25 तारीख को मेरा बर्थडे है और तुम्हें जो यहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन अजय कहता है कि आने वाले 25 तारीख को मेरी जो है सबसे बड़ी यानी कि म्यूजिक कंपनी में डेट है और मुझे वहाँ पर जाकर अपनी रिकॉर्डिंग करिए और सलमान खान जो है यानी कि जो कि मुझे अपनी फिल्म में गाना दे रहे हैं जिस तरह से इस वेब सीरीज में दिखाया। लेकिन साथ ही माया कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि अपने करियर से प्यार करते हो। तो अजय कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने करियर के साथ साथ तुम्हें भी साथ ले जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन माया कहती है चलो कोई बात नहीं, तुम अपने गाने की रिकॉर्डिंग भी कर लेना, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले तुम्हें जो मेरे पास आना पड़ेगा। लेकिन अजय जो था पहले मना कर देते, लेकिन बाद में माया जो थी उसको अजय को बार बार कहती है तो अजय जो था मान जाता है और उसके बाद माया जो होती है वो अजय यानी कि अजय जो था माया के पास चला जाता है और माया और अजय जो थे काफ़ी इंटीमेट होते हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा जो इनके बीच में रोमांटिक सीन होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अजय जो था उसका फ्रेंड जो था वो स्टूडियो के बाहर वेट करता है अजय का कि अजय यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन अजय वहाँ पर नहीं पहुँचता है और इस तरह से जो व्यक्ति जिसने अजय का गाना रिकॉर्ड करना था वो काफ़ी नाराज होता है। और इस तरह से इनकी कहानी में नया ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ये तो आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि दोस्तों आने वाले एपिसोड में कहानी में क्या आपको नया देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये थी छोटी सी अपडेट इस वेब सीरीज के बारे में, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी। मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं बहुत ही जल्दी। तब तक दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर। धन्यवाद।